अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट फॉर्मिक शीट से बने हुए फ्लावर्स, लीव्स और डिफरेंट पैटर्न्स दिखा रही हूँ। मैं अपने बहुत टाइम को चेंज कर देती हूँ फन टाइम में इस तरह के छोटे मोटे डेकोरेशन काम करने से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ भी बन जाती है। सो आप जिस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स और लीव्स और डिफरेंट पैटर्न्स काट के रखे हैं, और ये मैं इनको यूज़ करूँगी किसी भी तरह की डेकोरेशन में। और ये काफ़ी ज़्यादा से मैंने इसलिए काट के रखे हैं कि जब भी मेरा दिल करे और अचानक से मैं कुछ बनाने का सोचूं तो मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा बने हों, पड़े हुए हों, ताकि मैं इजीली बना सकूं कोई भी चीज़। क्योंकि अगर ये काम हुआ हुआ होता है तो आपकी टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। सो इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल गत्ते ले लिए हैं इन फ्लावर्स और इन लीव्स के अलावा, और वो गत्ते जो थे वो मेरी एक कैटल थी, इलेक्ट्रिक कैटल, उसका जो बॉक्स था उससे मैंने ये चीज़ फ़ोटो फ्रेम बेसिकली बनाए हैं। और उसके अलावा सीज़र है, टेप है और वाइट ग्लू मैंने यूज़ की है। और इसमें क्या करूँगी कि मैं सिंपल फॉर्मिक शीट से इसकी बाउंड्रीज़ बना दूँगी, और फिर उन बाउंड्रीज़ के ऊपर इस ग्लिटर शीट से जो फ्लावर्स और लीव्स और डिफरेंट पैटर्न्स हैं उनसे डेकोरेशन कर लूँगी। और अगर आप ये चीज़ नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास डिफरेंट स्टिकर्स भी हैं। और उसके अलावा मैंने यूट्यूब चैनल से सीखा था कि आप शू बॉक्स को कैसे एक ऑर्गेनाइज़र में चेंज कर सकते हैं, और उस पर भी मैंने ये सिंपल स्टिकर्स लगा दिए थे। और ये बहुत एक अच्छा आइडिया है, एंड आई होप कि आपको भी